हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर वीडियो आप लोग के साथ कर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है सिंकी मिंकी ट्विन सिस्टर कॉमेडी शो इन इंदौर, कपिल शर्मा शो है। तो कपिल शर्मा के साथ दो सिंकी मिंकी दो लड़की कोई वीडियो है जो कि बहुत फनी है सजेस्ट करने वालों के बकौल, तो हम उनकी बात पर यकीन करते हैं। अगर कपिल शर्मा के साथ है तो फिर फनी ही होगी क्योंकि ही इज टू गुड इन कॉमेडी, बहुत मजे की कॉमेडी है। सो लेट्स सी। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट जो हम हर वीडियो में ऐड करेंगे, 10 जनवरी को रात को 9:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे हम लाइव आ रहे हैं क्योंकि हमारे चैनल की एनिवर्सरी है, बर्थडे है, 2 साल का हो गया हमारा चैनल। तो जो आपके सवाल हो वो आप उस दिन लाइव इंटरेक्ट करेंगे और थोड़ा अलग अलग करेंगे लाइव ही। सो लेट्स सी। ओके मंडे थ्री गो। लेकिन ये तो क्लियर कीजिए कि चिंकी कौन है और मिंकी कौन है। अरे अभी तो बोला कि मैं चिंकी और ये मिंकी है। क्या? अरे ये बताइए कि आप यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ बड़े फेवरेट स्टार्स को देखने आई हूँ। ओह अरे वाह, क्या बात है। कौन से टीवी शोज देखती हैं आप लोग? कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, कसौटी जिंदगी की, तारा फम सितारा, तारक मेहता उल्टा चश्मा, पटियाला फेस, रिश्ता क्या कहलाता, कुंडल तुमसे ना हो पाएगा, बेहद नजर और इंडियन आइडल बिग बॉस कौन बनेगा करोड़पति। आप लोग कपिल शर्मा शो नहीं देखती हैं? उसमें तो हम आते हैं ना बुद्धू। आपने मुझे बुद्धू क्यों बोला? मैंने थोड़ी बोला, किसने बोला? अच्छा जिससे भी बोला, चलिए सॉरी बोलो। अरे जो मैंने बोला ही नहीं तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? इससे कहो ये बोले। मैं बड़े खास काम से आई हूँ, एक टीवी एक्टर मुझे बहुत पसंद है, उसे प्रपोज करने आई हूँ। एक मिनट, ये आपको पसंद है या फिर आपको पसंद है? मुझे पसंद है, इसका पता नहीं। कपिल भाई अभी पता चला कि आप लड़कों को साड़ी क्यों पहनाते हो? जब असली वाला ग्लैमर इतना कंफ्यूज करता हो तो नकली से काम चलाना बेहतर है। कौन है वो खुश नसीब बंदा? वो बहुत अच्छा एक्टर है, टीवी पे आता है। टीवी पे एक्टर ही आते हैं, कोई प्लम्बर और कारपेंटर तो आते नहीं है। साफ साफ बताइए ना कौन है वो? वो क्यूट है, स्मार्ट है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, विटी है, कुल मिला के मेरा चोना बाबू है। मैंने उसका बायोडेटा नहीं पूछा, आप सीधा सीधा नाम बताइए ना कौन है वो। हमारे यहाँ रिवाज है कि जिस लड़के से प्यार करते हैं उसका नाम नहीं लेते। ओ मैडम, ये कहीं का रिवाज नहीं है, ये तो अपनी बीवियां जो है वो अपने पतियों के लिए करती हैं। हाँ तो मैं सब ना पति मानती हूँ। आप पति मानती हो या फिर आप पति मानती हो? मैं तो मानती हूँ, इसका पता नहीं। ये ना हो कि तुम लोगों के चक्कर में मुझे जो कुछ पता है मैं वही भूल जाऊँ। एक काम करें, एक ऐसी कुछ चीज बताइए जिससे साफ साफ पता चल जाए कि वो कौन है। आजकल वो इंडियन आइडल होस्ट कर रहा है। ये भी कर रहा है। अरे क्या बात है, आपको मैं पसंद हूँ। हे भगवान, यहाँ तो एक भी लड़की नहीं फंस रही थी, यहाँ तो डायरेक्ट खुदों से प्रपोज मिल गया। अरे तो एक मिनट, दोनों ने कब प्रपोज किया? सिर्फ इसने किया। दोनों के मतलब क्या? तुम इसे पसंद हो, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं हो। अरे अभी तो तुमने कहा था कि तुमको मैं पसंद हूँ। मैंने थोड़ी कहा था, इसने कहा था। मैं हंसू यार। अरे अभी तो आपने कहा था कि आप दोनों में से कोई एक है। दो कहा है, मैं तो एक ही हूँ। मुझे चक्कर आ जाएंगे। इतना तो हमारे डेली सॉन्ग भी कंफ्यूज नहीं करते जितना इन दोनों ने मुझे कर दिया है। तुम लड़कों की ना यही प्रॉब्लम है, हम लड़कियों को समझते ही नहीं हो, सारा मूड खराब कर दिया। मैं जा रही हूँ, अब तुम्हें कपिल शर्मा ही देखेंगे। अरे वो मुझे क्यों देखेंगे? अरे तुम इंडियन आइडल कर रहे हो, उनका फेवरेट शो है, उसमें देखेंगे। बाय बाय इंदौर। Yeah, outstanding.
So this was outstanding यार, इतना वो synchronize हो कैसे सकते हैं दो लोग? बहुत आला, बहुत बिल्कुल एक बने हुए, इतने dialogues कैसे यार? उसके अलावा script check करो यार, script outstanding, delivery, script, everything was outstanding and it was really funny and बहुत मजे का था and सब कुछ था, too good. मैं तो हैरान हूँ कि उस तरह सिंक्रोनाइज होके बोल कैसे रही और वो एंटरटेनिंग था यार उस इतना एंटरटेनमेंट आउटस्टैंडिंग वीडियो मजा आ गया सो इट वाज टू गुड थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग दिस वीडियो ये अच्छी थी ये मजे की थी आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा ये मजे की थी एनीथिंग एल्स नॉट सो सी यू इन ऑन 10th ऑफ जनवरी वहां पर आप अपने सवाल बचा के रखें जो आप कुछ पूछना चाहते हैं काफी दिनों से लोग सजेस्ट कर रहे थे कि आप लाइव आए क्योंकि हम 2 साल हो चुके कि भी लाइव आए नहीं थे तो फर्स्ट टाइम ऑन 10 जनवरी वी विल बी कमिंग लाइव सो इट्स आवर डेब्यू लाइव डेब्यू सी यू गाइस देयर और मजीद अच्छी अच्छी वीडियो सजेस्ट करते रहें ताकि हम रिएक्ट करते रहें सी यू नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर खुदा हाफिज़